भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट में जीत प्राप्त करके सीरीज को अपने नाम कर लिया है। कानपुर टेस्ट में भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिली। इसी के साथ भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। अब इस टेस्ट मुकाबले में कई सारे रिकॉर्ड्स टीम इंडिया ने और इंडियन टीम के खिलाड़ियों ने अपने नाम किए, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली से लेकर अश्विन तक ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। टीम इंडिया के कई बल्लेबाजों ने भी इस टेस्ट मैच में रिकॉर्ड बनाए। हम एक एक करके आपको बताएंगे कि किसने क्या रिकॉर्ड इस मुकाबले में बनाया। सबसे पहले रोहित शर्मा की बात कर लें तो रोहित शर्मा ने काफ़ी एग्रेसिवली मैच खेला, जहां पर बल्लेबाजी करने के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच की 2 शुरुआती गेंदों पर 2 लगातार छक्के बनाने वाला एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें रोहित शर्मा दुनिया के पहले ऐसे ओपनर बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट की अपनी शुरुआती 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के जड़े हों। इसके अलावा अब दूसरा नाम आता है विराट कोहली का। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 35 रन बनाते ही 27,000 इंटरनेशनल रन्स पूरे किए हैं। ये रन्स ODI, टेस्ट और T20 इंटरनेशनल में मिलाकर उन्होंने बनाए हैं। सबसे तेज 27,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम हो गया है। उन्होंने सचिन का 624 पारियों का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा तीसरे रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो तीसरे रिकॉर्ड में टीम इंडिया के नाम अब एक रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें टीम इंडिया ने सबसे तेज 50 रन, सबसे तेज 100 रन, इसके अलावा सबसे तेज 150 रन, सबसे तेज 200 रन और 250 रन, ये अब टीम इंडिया के नाम हो चुका है। टेस्ट मुकाबले में सबसे तेज 50 से लेकर 250 रनों तक का रिकॉर्ड टीम इंडिया ने अपने नाम किया है। जिस अंदाज में पहली पारी में टीम इंडिया ने खेला था, उस पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ये रिकॉर्ड बनवाया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रविंद्र जडेजा के नाम भी एक रिकॉर्ड बना है। रविंद्र जडेजा ने इस मुकाबले में 1 विकेट लेते ही 300 इंटरनेशनल टेस्ट विकेट पूरे किए हैं और रविंद्र जडेजा ने 300 विकेट्स और 3000 टेस्ट रन के साथ सबसे तेज ये कीर्तिमान किया है। अब वो इस मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। वहीं अगर देखा जाए तो रविचंद्रन अश्विन ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट मुकाबलों में 11 बार टेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, जो कि मुथैया मुरलीधरन की रिकॉर्ड की बराबरी उन्होंने कर ली है। वहीं अगर देखा जाए तो ये कई रिकॉर्ड्स टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपने नाम किए, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अपने नाम किए और इसके साथ ही कई रिकॉर्ड्स ऐसे भी थे जो कि टीम इंडिया ने तोड़े। अब अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बांग्लादेश की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 233 रन बनाए। इसके बाद टीम इंडिया ने जवाबी कार्यवाही में 285 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर और टीम इंडिया ने पारी घोषित कर दी। इसके बाद जब बांग्लादेश की टीम आई तो 146 रनों पर ऑल आउट हो गई और इंडिया की टीम सिर्फ 94 रन का उन्हें लक्ष्य दिया गया और टीम इंडिया ने बड़े आसानी से 3 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। इस मुकाबले में कई ऐसे रिकॉर्ड भी बने जो कि पहली बार बने थे, जैसे रोहित शर्मा का बतौर ओपनर 2 लगातार छक्के जड़ने वाला वो रिकॉर्ड हो, या फिर विराट कोहली का सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाला रिकॉर्ड। बांग्लादेश और भारत के बीच टेस्ट सीरीज का अंत हो चुका है। अब T20 सीरीज 6 अक्टूबर से शुरू होगी। पहला T20 मुकाबला ग्वालियर में खेला जाएगा। हम भारत और बांग्लादेश के मैचों से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आपके साथ लेकर आते रहेंगे। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।